अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाइन्थ क्लास, 11th क्लास की मैथमेटिक्स था, चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ था हम लोगों ने। और 9.1 के पहले हम लोगों ने 11 जो क्वेश्चन थे वो सोल्व हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट समझनी है, एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू, मतलब सूरज और जो ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 1 × 10⁻⁶ किलोमीटर है। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ, मतलब एक जमीन पे बंदा खड़ा है जो कि सन को देखता है, कितना एंगल बनता है, 9.3 × 10⁻³ रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, जो सन का डायमीटर है वो कितना है, वो डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम थोड़ी बना लेते हैं। लेट सपोज ये हमारी अर्थ है समझने के लिए, और ये हमारे पास सन है जी। डिस्टेंस ने बता दिया वह कितना डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, तो वो डिस्टेंस ने बोला होगा जी हमारे पास डिस्टेंस है जी 1 × 10⁻⁶ किलोमीटर। अब एक शख्स जमीन पे खड़ा है और वो चांद को देखता है, और जो एंगल बनता है वो कितना एंगल बनता है, लेट्स सपोज ये वो एंगल है जी, एंगल हमारे पास है 9.3 × 10⁻³ रेडियन। अब हमने क्या ढूंढना है, जो सन का डायमीटर है ना, वो डायमीटर ऑफ सन फाइंड करवाना है इसने हमसे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस सर्कल मुकम्मल करूं फॉर एग्जांपल जी ले, तो ये रेडियस, ये हमारा जो है डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसको हम बोलेंगे ये आर है। ओके, एंगल उसने हमें बता दिया हुआ है। तो ये कर्व पास रहता है, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो डायग्राम में रेडियस आर कितना बन रहा है हमारे पास, 1 × 10⁶ के एम, और थीटा हमारे पास है जी 9.3 × 10⁻³ रेडियन। तो हमारे पास जो लेंथ है ना वो फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की मेरे पास वैल्यू है 1 × 10⁶ मल्टीप्लाई 9.3 × 10⁻³। इन सब को हमने आपस में कैलकुलेट करना है। तो उसका क्या मेथड है कि जो सिंपल वाले नंबर्स हैं उनको हम आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, और जो एक्सपोनेंट्स हैं 1 × 10⁸ × 9.3, और जो पावर्स हैं 6 में से 3 निकल गए, तो 10³। तो इसका जो आंसर आएगा वो मिलेगा 1 × 37640 किलोमीटर, ये ही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, स्टेटमेंट समझनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सर्कुलर वायर ऑफ अ रेडियस, एक तार है, एक सर्कुलर वायर है जो कि सर्कल नुमा है, उसका कितना रेडियस है, 6 सेंटीमीटर। इसे किया क्या है, इसको कट किया है, स्ट्रेथन फिर इसको सीधा कर दिया है, एंड देन बेंट, मतलब ये वायर थी इसे कट किया, तो लेट सपोज ये इसकी लेंथ बन गई। हमें नहीं पता इसकी लेंथ क्या बनी है, थी ये वायर, इसे कहीं से कट किया, कट करने के बाद इसको सीधा कर दिया, उसके बाद क्या किया स्टेटमेंट के मुताबिक, एंड देन बेंट, फिर इसको बेंट किया, सो एज इस तरह टू लाई अलोंग द सर्कल, फिर हूप, एक हूप है, इसको बेंड करके इसके इर्द गिर्द ऐसे लपेट दिया है, हूप बोलते हैं, खाली जैसे पाइप होता है उसके ऊपर इसको लपेटा ऐसे, और उसका कितना रेडियस ने बोला हुआ हमसे, 24 सेंटीमीटर है जिसको इर्द गिर्द इसको लपेटा है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ लूप, मतलब जो लूप के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल ढूंढो, ये थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सर्कल था, उसको सीधा किया, बेंड किया, तो लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक आ गया, मेरे पास ये लेंथ नहीं है, है ये सर्कल। अगर हमें सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr। अब मेरे पास r 6 है तो ये बन जाएगा 12π, मतलब इसकी जो लेंथ बनती है वो बनती है 12π।
तो रेडियस कितना है हमारे पास, 14 है, 24 cm। लेंथ मेरे पास जो बनी है वो बनती है 12 pi। ये क्वेश्चन का पोर्शन है, ये नहीं कि क्वेश्चन के हार्ट से करना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसलिए शामिल होगा। तो हमने थीटा फाइंड आउट करना है, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, एंड थीटा हमने फाइंड करना, थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा एल ओवर आर। तो लेंथ मेरे पास 12 pi है और आर मेरे पास 24 है, तो कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा पाई ओवर 2 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि जब वायर को कट करने के बाद लपेटेंगे तो सेंटर के साथ एंगल पाई बाय 2 रेडियन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं हिस्से को, ऑफ अ सर्कुलर रीजन, एक सर्कल का हिस्सा लेना है, ऑफ रेडियस, उसका रेडियस आर हो और जो उसका एरिया बनेगा वो इतना आएगा, ये हमने वेरीफाई करना है। अगर कुछ उसने मजीद हमें डिटेल बोला हुआ, वेयर थीटा इस सर्कुलर मेयर ऑफ सेंट्रल एंगल, थीटा है वो एंगल है, और हमने प्रूफ करा जो उसका एरिया बनता है वो कितना बनता है, 1/2 r² थीटा। तो हम पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं, डायग्राम लाजमी होगी। तो उसका रेडियस आर है, थीटा कोई एंगल, लेट्स सपोज ये ओ है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए मूव करता है बी पर चला जाता है, तो ये बी पॉइंट हो गया और जो एंगल बनता है वो कितना है थीटा, उसने खुद बोला हुआ है, और रेडियस कितना है सर्कल का, आर है। अब ये कुछ जगह कवर होती है, मतलब इतनी सी जगह है, ये सेक्टर एक है, एक पोर्शन है। इसका जो एरिया हमने प्रूफ करना है वो 1/2 r² थीटा लेकर आना है। तो डायग्राम लाजमी होगी इस क्वेश्चन के लिए फ्रॉम फिगर, फिगर में कुछ चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, ये क्वेश्चन का पोर्शन है, रेडियस ऑफ सर्कल है जी हमारे पास आर। एंगल ऑफ आर्क नजर आ रहा है, एंगल ऑफ आर्क ए बी, उसका जो एंगल है ऊपर ये आर्क के निशान लगा दें, वो कितना है थीटा है। अब एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर ओवर एंगल ऑफ सर्कल, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना था, एंगल उसने में खुद ही सवाल में बोला हुआ है, एंगल ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मैं कहता हूँ ये ए हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। एंगल ऑफ सेक्टर है थीटा मेरे पास और एंगल ऑफ सर्कल होता है 2 pi। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे, इधर आके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया में मिल जाएगा थीटा पाई स्क्वायर आर ओवर 2 pi, एक पाई पाई से कट जाएगा, बल्कि आर स्क्वायर था, पाई पाई से कट गया, तो बाकी बचा 1/2 r² थीटा, यही एरिया ऑफ सेक्टर हमने प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट, इक्वेटर बोलते हैं खत्ते इस्तवा को जो जमीन को तो उसमें डिवाइड करता है। दो शहर है, एक शहर ए है, एक शहर बी है, जो कि जमीन के इक्वेटर पर लाई कर रहे हैं, और जो ए वाला शहर है वो 45 का एंगल बनाता है सेंटर के साथ, और जो बी वाला सिटी है वो 25 बनाता है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना उसने बोला हुआ हमें, 64 km। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है और ये वो इक्वेटर है, और यहां से यहां तक रेडियस है, एक शहर इस तरफ है, एक शहर इस तरफ है, ये भी रेडियस ही है, एक एंगल बनाता है 45, एक बनाता है 25। अब उस काम से क्वेश्चन ये है कि जो दोनों शहर हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड करो, तो ये रेडियस कितना है 64 km, और हमसे लेंथ रिक्वायर कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास दो एंगल हैं, तो थीटा टोटल निकालने के लिए 45 + 25 कर देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 70 degrees। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर रीजन में, तो जब भी सर्कुलर रीजन में हो तो एंगल होता है रेडियन फॉर्म मेयर होता है, तो डिग्री को चेंज करने के लिए में हमने तरीका सीखा, वह तो पाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 70 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, तो इसका आंसर मिल गया है 1.2222। अगर टू लगाना है लगा रेडियन। अब रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, रेडियस अपर 6400 है km। हमने लेंथ फाइंड करनी है, वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, और आर मेरे पास है 6400 मल्टीप्लाइड बाय 1.222। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6400 के साथ और आंसर हमारे पास आता है 7819.075 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, कि जो मून है वो ऑब्जर्वर की आई पे इतना एंगल बनाता है ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर बंदा खड़ा है। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, कितना डिस्टेंस बोला है उसने में, 3.844×10⁵ अप्रोक्सीमेटली है। वाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है और ये मून है, तो एक बंदा यहाँ खड़ा है जो कि मून को देखता है, कितना एंगल 0 बनता है जी 5 डिग्री का, और कितना डिस्टेंस है चांद का और जमीन का बोला हुआ है 3.844×10⁵। ढूंढना क्या है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो कितना बनता है, ये ढूंढना है अप्रोक्सीमेशन में। तो एंगल का हमें पता है 0.5 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई पाई और 180 के साथ, एक आंसर बनेगा। रेडियस का पता चल गया, रेडियस हमारे पास है 3.844×10⁵। लेंथ हमने फाइंड करनी है, एल इज इक्वल टू ये लगाना है फॉर्मूला बाद में, अप्रोक्सीमेटली का साइन एल को डी में चेंज कर देना आपने। तो लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ, मतलब जमीन बनाती है एट द आई ऑफ ए स्पेसमैन, एक बंदा खला में मूव कर रहा है, लैंडेड ऑन द मून, उसने मून के ऊपर लैंड करना है, कितना एंगल है जी 1°54' का। द रेडियस ऑफ अर्थ इज, कितना रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो इसके डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं जी। लेट्स सपोज ये मून है, यहाँ पे वो बंदा लैंड हुआ है, ये हमारे पास अर्थ है, वो इस अर्थ को देखता है तो कितना एंगल बनता है, एंगल बनता है 1°54' का। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और उसने हमसे रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस ऑफ अर्थ है जी, आर है हमारे पास 6400 किलोमीटर। तो ये लेट्स सपोज डिस्टेंस, चलो इसको डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये एंगल है, ये हमने फाइंड करना रेडियस, ये और रेडियस है, ये और लेंथ है, ये हमने फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें थीटा का, तो हमें चल गया पता 1°54' है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 1+54/60, सारा डिग्री में चेंज हो गया, बाकी जो स्टेप्स हैं 60 एलसीएम आ जाएगा, 60+54, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.14/60×π/180। इसका आंसर में मैं भी निकाल देता हूँ। अब ये लेंथ है, एल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है आर थीटा। अब ये लेंथ मेरे पास हाफ है, टोटल लेंथ चाहिए, इसको डबल करूँगा पहले। तो लेंथ निकालने के लिए पहली बात ये, मैं 2×6400 करूँगा किलोमीटर। तो दोनों को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 6400 को जब 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो 2128000 km। ये तो हल हो गया मसला इसका। आगे 1.14×π/180, फिर डिवाइड करना है इसको मैंने 60 के साथ, तो एंगल आ रहा है 0.033। तो आर मैंने, एल इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। तो लेंथ मेरे पास आई है 128, आगे 00 है, और आर मेरे पास है 0.033 इक्वल जो थीटा। तो 1.28 डिवाइडेड बाय आंस
तो जो आंसर मुझे मिला है वो मिला है 38592.6199 अप्रोक्सीमेटली है, कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, है ये रेडियन फॉर्म में, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9.2 को सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले वो समझाऊंगा और उसके बाद हम जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पर वक्त पहुँच सके। और रखिए दुआ में याद, अल्लाह ने के बाद।